तो नमस्कार आप सभी लोगों को। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी 2024 आने वाला है और इसी 2024 में हमें जो इंतज़ार है वो है 22 जनवरी का। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने वाला है, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि राम मंदिर में जो मूर्तियाँ स्थापना की जाएगी, जिसमें से एक मूर्ति जो होगी वो निचले तल पर विराजमान होगी, वह राम जी का बाल स्वरूप होगा जो 5 वर्ष का होगा। उसके बाद दूसरी जो मूर्ति होगी वो राम जी का सिंहासन वाला स्वरूप होगा, जहाँ पर राम जी के साथ में सीता जी और उनके तीनों भाई और हनुमान जी होंगे, जिसे राम दरबार भी बुलाया जाएगा। और इस बीच राम जी की एक विशालकाय मूर्ति बनाई जाएगी, जो अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में स्थापना की जाएगी, जो विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। और यह प्रतिमा राम जी के पूर्ण सिंगार वाला स्वरूप को दर्शाया जाएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 5 साल का स्वरूप वाला रूप यानी राम जी का बचपन का समय, और सिंहासन का रूप यानी राम जी का अयोध्या में पुनर्लौटने का समय। तो इस बीच जहाँ मुझे कमी लगी है वो है राम जी का आध्यात्मिक समय, जो वनवास का समय था। तो इस बीच मैंने सोचा, क्यों ना राम जी की जो भव्य प्रतिमा होगी, क्यों ना उसे वनवास के समय का स्वरूप दर्शाया जाए, क्योंकि ये जगह अयोध्या से थोड़ी दूर पर होगी, तो ये दूरी अयोध्या से वनवास तक का समय दर्शाती है। तो इसी आइडिया से मैंने एक राम जी का 3D बनाया है, जिसमें राम जी का वनवास के समय का स्वरूप दर्शाया है। और जैसे उस समय आश्रम हुआ करते थे, और कहते हैं कि राम जी जब खाना खाने बैठते थे तब सारे अन्य प्राणी भी आकर बैठते थे, तो इसमें मैंने नेचर के साथ में कुछ अन्य प्राणी भी दर्शाए गए हैं, जो उस समय के माध्यम से इस जगह को और खूबसूरत बनाता है, जैसे कि आप लोग इसे 3D के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद। धीरज मन किन्हा प्रभु कहो चिन्हा, रघुपति कृपा भक्ति पाए। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मनारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरण ही आई। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखेऊ भरि लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मागौ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधु करे पाना। Shut up.